राजनाथ सिंह से हम मिले, उनको हमने विज्ञापन दिया, उन्होंने सिर्फ विज्ञापन देखा, उन्होंने सिर्फ यही बोल दिया कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, आप SSC GD जाइए, अमित शाह के पास जाइए। उनकी बात तो सुनते हैं, हम कम से कम 8 बच्चे गए थे उनके पास। अच्छा, 8 लोग तो किसी एक की तो सुनते बात है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट इस टाइम रक्षा मंत्रालय की। सर एक बात है, हमें वो बहुत खुशी हुई कि वो मिले, वो ऐसे नहीं मिले, हम सभी के ऑफिस गए, सभी के ऑफिस, किसी ने नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने सीधे अंदर जाने दिया कि आप मिल सकते हैं। क्या बात है, ये जी सर, बहुत बड़ी, ये एक पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा हमें, इसी दर्शन तो हो गए जी सर, खुश हुआ, दिल खुश हुआ सर। वैकेंसी निकालने जा रही है, क्या इनका मतलब क्या है नहीं वैकेंसी निकालने का, या पहले वालों को नहीं जॉब दे रहे तो नहीं वैकेंसी का क्या मतलब, क्या पैसा इकट्ठा करना चाहती गवर्नमेंट, हमें भर्ती कर ले, हम 100 की जगह 1000 रुपया दे के जाए, और क्या चाहिए इनको। में जो बैठे हैं सरकार के बंदे, वो सब भी देख रहे हैं कि किधर कौन सा बच्चा SSC GD का कैंडिडेट कहाँ जा रहा है, सबकी निगाह है हम पर सर, पर लेकिन कोई सरकार हमें खुद नहीं है, जानबूझकर सर भटका रही है, इग्नोर कर रही है, सामने है, हम आत्मनिर्भर हैं, हम SSC GD ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा लेके आए हैं, इसका मतलब हम आत्मनिर्भर हैं सर। अच्छा, मैंने सुना था कि जो लोग जैसे कि वैन में नहीं जा पाए वो लोग पैदल पहुंचे हैं थाने, क्या बात सही थी? जी सर, ये बात सर सही है, दो गाड़ियां बसों को भरा गया। अच्छा। जो थाने में लेके गए हैं, हाँ। जो रह गए हैं, हाँ। में, हाँ। बाद में कोई 50 बच्चे, वो सभी अपने अपने मतलब पैदल गए हैं या बस में गए हैं, सभी वो 4 बजे के तकरीब थाने में पहुंच चुके थे सर। हमारे कैंडिडेट है ना सर, हम उनके लिए आए हैं, वो हमारे लिए आए हैं, तो अगर एक जाता, अगर जे जाता है तो मैं भी जाऊंगा, अगर मैं जाता है तो जे भी जाएगा सर, तो जी एकता दिखाई सर, एकता में तो बला सर, कुछ तो होगा सर, हम सभी ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा लेके आए हैं सर, जहाँ पे कि जे बढ़की रहे हैं, बढ़की जा रहे हैं, बढ़कते रहें, और जब इनके पास पैसा खत्म हो जाएगा ना तो खुद चले जाएंगे, वो भी पैदल, कुछ सर किराए का पैसा, मजदूर गए थे कोरोना टाइम, बिल्कुल भी गए थे कई सारे, जी जी बिल्कुल वही हालात इनकी होगी सर। अभी तो गुरुद्वारे में चलो एक टाइम लंगर चला रहा है, ठीक है सर, खा लेते हैं, जब पैसे खत्म हो जाएंगे, जब घर जाना पड़ेगा, क्या करेंगे सर, कहाँ पे खाना मिलेगा हमें, पहले दिन था वो हमने किया, ठीक है सर, तब से हमें वार्निंग मिल गई है सर, ठीक है जी, पुलिस वालों की तरफ से जी कि आप पे लाठी चार्ज हो जाएगा, ठीक है सर, पुलिस वाले कहते हैं SSC ऑफिस जाओ, PM का ऑफिस गिरो, और वो कहते हैं इधर खड़े रहोगे तो डांग दे देंगे, डांग दे देंगे मतलब लाठी चार्ज कर देंगे। अच्छा जी, ऐसा पीटेंगे कि दूसरी अगले दिन चलने वाले नहीं रहेंगे, ये पुलिस वाले धमकी देते हैं सर। हमारा कसूर क्या, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ ऐसी बात की जाती है, घर वाले मजदूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, अच्छा, तो हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है इतना कि कोई बोल रहा है कि बिजनेस खोल लें घर जाके, जब कुछ ऐसा वैसा कोई काम कर लें, हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, इससे बेटर यही था कि हमें टेस्ट से निकाल देते। सपने भी देखे होंगे आप लोगों ने सर, सपने तो बहुत बड़े थे सर कि हो जाएंगे, कुछ करेंगे माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, ठीक है सर, किसी गरीब के लिए कुछ करेंगे सर, सभी इतना तक सोच जी सर, सभी धरे का धरे रह गए सर, 370 हटा दिया वो भी अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन रोजगार कहाँ, लेकिन रोजगार कहाँ है सर, रोजगार नहीं है ना, हम सर रिटर्न फिट हैं, फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, सब कुछ फिट होने के बावजूद भी मेन लिस्ट से बाहर हैं सर, आप देखिए नई वैकेंसी में भी यही कुछ होगा सर। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, इस वक्त हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो के पास हैं, यहाँ पर SSC का हेडक्वार्टर है। आपने देखा होगा कि कल SSC के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उन पर पुलिस उनको लेकर के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लेकर के गई है। आज ये लोग यहाँ पर आए हैं SSC के हेडक्वार्टर पर, ये लोग चाहते हैं कि हम अब यहीं पर बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, वैसे ये लोग गुरुद्वारे में रहते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों बैठना चाहते हैं और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं और क्या कल कार्रवाई में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं उन इन लोगों से जानना चाहूँगा। सर स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी सर, कल आपकी क्या, कैसे आप लोग पुलिस ने आप लोगों को कहाँ से पकड़ा, क्यों पकड़ा सर? सर हम कल गए थे प्रोटेक्ट करने के लिए जी, हम यही चाह रहे थे कि हमें मीडिया वाले कवर करें। अच्छा। सर हम गए थे BJP ऑफिस पहले। अच्छा जी, BJP ऑफिस गए थे, उसके बाद सर उन्होंने हमें, पुलिस वालों ने कहा कि जहां बैठना अलाउड नहीं है, आप जहां कुछ नहीं कर सकते, आप जहां से निकल जाइए, नहीं तो हम आप पर लाठी चार्ज कर देंगे। अच्छा। तो सर हमारे 2-3 लड़के आगे गए थे, आगे पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम, पुलिस ने सर साफ तौर पे कह दिया था BJP ऑफिस में कि लाठी चार्ज हो जाएगी, आप निकल जाइए जहां से। अच्छा। उसके बाद हमारे चार लड़के जो केजरीवाल ऑफिस के सामने गए थे जी सर, वहां पर मीडिया थी, तो लड़कों ने हमें वहां से लेकर वहां पे
केजरीवाल के ऑफिस के सामने जो उनका दफ्तर है, तो वहाँ पे बोले वहाँ पे चलो मीडिया है, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे मीडिया थी, हमने सोचा हम मीडिया के लिए तो आए हैं कि हमारा मुद्दा सदन में जाए, उठे, सभी मतलब सरकार को, सरकार तक पहुँचे हमारी बात। तो हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे मीडिया वाले थे, उन्होंने हमें कवर किया। वो हमें कवर कर ही रहे थे, थोड़ी देर हो चुकी थी कवर करते हुए, कि वहाँ पे पैरामिलिट्री के जवान डंडों के साथ और पुलिस वाले डंडों के साथ आ गए। अच्छा। जी, और उन्होंने हमें कहा कि जहाँ पे आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा जी, तो आप जहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आप पे लाठी चार्ज हो जाएगी। पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने जी, दिल्ली से पुलिस वालों ने। तो हम तब भी बैठे रहे, मीडिया वाले हमें कवर कर रहे थे, तो उसी बीच भगदड़ मच गई। अच्छा जी, उसी बीच भगदड़ मच गई। अच्छा। तो पुलिस वालों ने हमारे चार पांच लड़कों को उठा लिया, फिर हमने सभी को आवाज़ लगाई अपने कैंडिडेट को, फिर हमने सभी ने गिरफ्तारियाँ की सर। जबरदस्ती गिरफ्तारी जी, जबरदस्ती सर। देखिए, वो कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट है ना सर, हम उनके लिए आए हैं, वो हमारे लिए आए हैं। तो अगर एक जाता, अगर जे जाता है तो मैं भी जाऊंगा, अगर मैं जाता है तो जे भी जाएगा सर। तो जी, एकता, एकता दिखाई सर, एकता में ही तो बला है सर, कुछ तो होगा सर। हम सभी ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा लेके आए हैं सर जहाँ पे। अच्छा, मैंने सुना था कि जो लोग जैसे कि वैन में नहीं जा पाए वो लोग पैदल पहुंचे हैं थाने, क्या बात सही थी? जी सर, ये बात सर सही है। दो गाड़ियाँ बसों को, दो बसों को भरा गया जो थाने में लेके गए हैं। हाँ। जो रह गए हैं बाद में, बाद में कोई 50 बच्चे, वो सभी अपने अपने मतलब पैदल गए हैं या बस में गए हैं, सभी वो 4 बजे के तकरीब थाने में पहुंच चुके थे सर। पाजी, आप आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर बैठना, तो क्या यहाँ बैठने से आपका हल निकलेगा? क्या उम्मीद लेकर के यहाँ बैठ रहे हैं सर? उम्मीद तो यही है कि हमारा कोई ना कोई हल होगा सर, क्योंकि हम कल भी प्रोटेस्ट किया, आपको पता ही मालूम है, और आज भी हम जहाँ पे आए हैं वहाँ पे हमें पुलिस ने उठा लिया, इसलिए हम जहाँ पर आए हैं आज एसएससी के दफ्तर पे, उन्होंने बात बात हुई है कुछ एसएससी दफ्तर? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? यहाँ आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है। तो अभी जैसे कि मैं सुन रहा था कि आप लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, क्या आगे का आप लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे? यहीं पर करना पड़ेगा सर, यहीं पे करेंगे आप लोग। तो यहाँ क्या उम्मीद, मतलब लग रहा है कि आपको यहाँ से सरकार जल्दी सुन लेगी? सुनना चाहिए, उन्होंने जय ऑफिस है, एसएससी का मेन ऑफिस है, जिन्होंने हमारी भर्ती करवाई है, भर्ती प्रक्रिया जय ही करवाता है, एसएससी ही करवाता है। अच्छा। इसलिए इनके दफ्तर पे आएंगे। कल पुलिस वाले भी बोल रहे थे एसएससी के पास जाओ, गृह मंत्रालय के पास जाओ, कहीं पर जाओ, जहाँ मत बैठो। इसलिए जहाँ पर आए आज, जहाँ कोई सुनेगा तो जहाँ सुनाएंगे, अगर आगे की बात हुई तो कहीं और जाएंगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा जी जी, हम जहाँ पर बोलेंगे हम उसी जगह पर जाएंगे, हर जगह पर जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या मुद्दा रहा आपका, क्या मुद्दा है आपका सर? मुद्दा तो हमारा, हम सबका यही है सर कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, जो 3-4 साल से हम जहाँ पर धक्के खा रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, भर्ती हो नहीं रही है, और जो नई वैकेंसी निकालने जा रही है, क्या इनका मतलब क्या है नई वैकेंसी निकालने का? जब पहले वालों को नहीं जॉब दे रहे तो नई वैकेंसी का क्या मतलब? क्या पैसा इकट्ठा करना चाहती गवर्नमेंट? हमें भर्ती कर ले, हम 100 की जगह 1,000 रुपया दे के जाए, और क्या चाहिए इनको? अगर सरकार आज तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखा रहा है, तो क्या आप लोग किसान आंदोलन में जुड़ना चाहेंगे? नहीं, वो तो अलग की बात है ना, वो वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते, वो अलग का मुद्दा है, हमारा मुद्दा अलग है सर। हमारे कैंडिडेट जी, अच्छा, हम कैंडिडेट आए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। आप कहाँ से आए? सर हम पंजाब से आए। आप सभी लोग मतलब पंजाब से? जी सर। आप भी कल थाने गए थे क्या? जी सर। क्या एक्सपीरियंस रहा थाने जाने का? सर एक्सपीरियंस तो क्या सर, हमें यही है कि हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिली जाए, मिली है, ठीक है, जो हमने मेहनत की है, जिसके लिए पेपर क्वालिफाई किया है, फिजिकल किया है, मेडिकल किया है, हम चाहते हैं हमें जॉब मिले, क्योंकि हमारे पास सर कोई ऑप्शन ही रहा नहीं अभी, और हमारे बैकअप इतनी नहीं है, हमारे घर वाले मजदूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं। अच्छा। तो हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है इतना कि कोई बोल रहा है कि बिजनेस खोल लें घर जाके, जब कुछ ऐसा वैसा कोई काम कर लें, हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर बनवा दिया, आर्टिकल 370, अब क्या जान लोगे मोदी जी के? लोग तो ये कह रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं सर। सर अच्छी बात है, 370 हटा दिया वो भी अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है वो भी अच्छी बात है, लेकिन रोजगार का भी बढ़ा दी उन लोगों ने, तो लेकिन रोजगार का है सर, रोजगार नहीं है ना। हम सर रिटर्न फिट है, फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, सब कुछ फिट होने के बावजूद भी मेन लिस्ट से बाहर हैं सर। आप देखिए, नई वैकेंसी में भी यही कुछ होगा सर। जी सर, यही कुछ रुलेंगे, वो भी बच्चे रुलेंगे सर। अगर आप देखिए सर, सरकार
उतना ही बच्चा फिट करे जितना रखना चाहती है वो। इतनों को क्यों करना सर, 1,09,000 बच्चा फिट कर दिया और 54,000 को आपने ज्वाइनिंग दे दिया, बाकी 50-50 कर दिया सर, तो 50 किस साइड जाएगा, मतलब 50 का क्या होगा, उसमें से 75% जो हैं वो तो ओवरेज हो गए हैं सर हमारे लिए, हमारे जैसे वो ओवरेज हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, क्या करेंगे राम मंदिर का, ठीक है सर 370 का क्या करेंगे, जमीन भी नहीं खरीद सकते, जमीन सर जमीन है भी नहीं खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे सर, हम दिहाड़ी लगाएंगे, हमारे पास तो जॉब मिलेगी नहीं, हम तो जॉब के लिए आए हैं इधर, अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा दिहाड़ी लगा के खाना खाएंगे या कुछ खरीदेंगे, सरकार भी हमारे प्राइवेट जॉब पढ़ लिखी सर, क्या सर प्राइवेट का भी ऑप्शन नहीं बचा सर, अच्छा ऑप्शन नहीं बचा, नहीं बचा सर, ऑप्शन ही नहीं बचा सर, प्राइवेट में ओवरेज हो चुके हैं सर, आप क्या करेंगे आप बताइए, एक तो दिहाड़ी लगाएंगे मिस्त्री के साथ और क्या कर सकते हैं, यही रह जाएगा फिर, पढ़े ही क्यों थे सर, इतनी दूर आने के बावजूद 4 साल का हम प्रोटेक्ट के, मतलब 4 साल का मेहनत करने के बाद भी हम सर अगर नहीं क्वालिफाई हुए तो फायदा क्या था सर हमारा, इससे बेटर यही था कि हमें टेस्ट से निकाल देते, सपने भी देखे होंगे आप लोगों सर, सपने तो बहुत बड़े थे सर कि हो जाएंगे कुछ करेंगे माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, ठीक है सर, किसी गरीब के लिए कुछ करेंगे सर, सभी इतना तक सोच जी सर, सभी धरे का धरे रह गए सर, सर हम जहाँ पे 1 महीने से आए हुए हैं सर, 14 तारीख को जंतर मंत्र पे था सर, वो पहले दिन था, वो हमने किया, ठीक है सर, तब से हमें वार्निंग मिल गई है सर, ठीक है जी, पुलिस वालों की तरफ से जी कि आप पे लाठी चार्ज हो जाएगा, ठीक है सर, पुलिस वाले कहते हैं SSC ऑफिस जाओ, BM का ऑफिस गिरो, और वो कहते हैं इधर खड़े रहोगे तो डांग दे देंगे, डांग मतलब लाठी चार्ज कर देंगे, अच्छा जी, ऐसा पीटेंगे कि दूसरी अगले दिन चलने वाले नहीं रहेंगे, ये पुलिस वाले धमकी देते हैं सर, हमारा कसूर क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ ऐसी बात की जाती है, पुलिस वाले होते हैं स्टूडेंट को खुद लेके जाते हैं कि आओ भाई जहाँ पे बैठो प्रोटेस्ट करो, क्या सरकार तुझे सुनेगी, हम किस लिए आए हैं सर, कि सरकार कोई बंदा सरकार का हमारे पास आए और हमें पूछे कि भाई आपको चाहिए क्या, आप स्टूडेंट हो क्या चाहिए, बोलो तो सही सर, आए तो सही, कोई सही बात है, कोई भी नहीं आ रहा, हम खुद जा रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहे, ये तो क्यों सर, एक तरीके से सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है सर, सहनशीलता की परीक्षा नहीं ले रहे जे सरकार, गरीबी की परीक्षा ले रहे हैं, जे 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 चाह रही है सरकार कि जे भड़की रहे, भड़की जा रहे हैं, भड़कते रहे, और जब इनके पास पैसा खत्म हो जाएगा ना तो खुद चले जाएंगे, वो भी पैदल, कुछ सर किराए का पैसा, मजदूर गए थे कोरोना टाइम, बिल्कुल भी गए थे कई सारे, जी जी बिल्कुल वही हालात इनकी होगी सर, अभी तो गुरुद्वारे में चलो एक टाइम लंगर चला रहा है, ठीक है सर, खा लेते हैं, जब पैसे खत्म हो जाएंगे, जब घर जाना पड़ेगा क्या करेंगे सर, कहाँ पे खाना मिलेगा हमें, सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर भी यूथ जो है रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं जी सर, वो प्रधानमंत्री जो कभी करोड़ों रोजगार देने की बात करते थे आज एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं, आपके मुद्दे को लेकर के एक बयान नहीं कर रहे हैं, मन की बात करते हैं उसमें कहते हैं कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, किस तरह से सर आत्मनिर्भर, देख लीजिए सर हम आपके सामने हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम SSC GD ऑल मेडिकल फिट का मुद्दा लेके आए हैं, इसका मतलब हम आत्मनिर्भर हैं सर, लेकिन ये आत्मनिर्भर बनने तो दें, हमें रोजगार तो दें तभी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे सर, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, लगातार आप लोग भी आवाज उठा रहे, इग्नोर किया जा रहा है सर, हमें इग्नोर किया जा रहा है, देखा हो रहा है सर, बयान देख रहे हैं, सुबह राजनाथ सिंह के पास गए थे, बयान देख रहे हैं सर, सब कुछ देख रहे हैं, सभी जहाँ पे दिल्ली में जो बैठे हैं सरकार के बंदे वो सब कुछ देख रहे हैं कि किधर कौन सा बच्चा SSC GD का कैंडिडेट कहाँ जा रहा है, सबकी निगाह है हम पर सर, पर लेकिन कोई सरकार हमें खुद नहीं है, जानबूझकर सर भटका रही है, इग्नोर कर रही है, कोई मीडिया जी सर, आप लोग ये भी बता रहे थे कि आप लोग राजनाथ सिंह जी से मिले, जी बिल्कुल सर, उनसे क्या मुलाकात हुई सर, उनसे क्या मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से हम मिले, उनको हमने विज्ञापन दिया, उन्होंने सिर्फ विज्ञापन देखा, उन्होंने सिर्फ यही बोल दिया कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, आप SSC GD जाइए, अमित शाह के पास जाइए सर, अगर आप सब आपके अंदर ही है सब कुछ, पैरामिलिट्री आपके अंदर ही है सर, ठीक है जी, तो फिर सर आप कैसे बोल सकते हो कि देखते ही कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, तो किसका मुद्दा है सर ये बताइए, तो उन्होंने बताया नहीं किसका मुद्दा, नहीं सर उन्होंने नहीं बताया किसका मुद्दा, वो बोले कि अमित शाह के पास जाइए, तो सर अमित शाह सर के पास हम कैसे जाएं, 144 लगी हुई है सर, अच्छा एक वो जाने एक साथ ही आपके बता रहे थे कि बैठने भी नहीं दिया, जहीं बैठने गए उठ गए उठा दिया, ऐसा भी बिल्कुल सर बैठने भी नहीं दिया उन्होंने सर, बैठने लगे थे हमारे साथी, जे भी गए थे बैठने लगे थे हमारे साथी, बस तभी उठ गए,
अच्छा, तभी उन्होंने फोन हुआ था। जी सर, अच्छा। हम जैसे गए थे तो सर ने देखा कि ये तो पैरामिलिट्री का मुद्दा, मेरा मुद्दा नहीं है, हमारा मैटर नहीं है। उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी, एक कैंडिडेट की बात तो सुनते, हम कम से कम 8 बच्चे गए थे उनके पास। अच्छा, 8 लोग तो किसी एक की तो सुनते बात है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट इस टाइम रक्षा मंत्रालय के वो मिनिस्टर हैं, तो हम तो बहुत उम्मीद लेके गए थे सर के पास। हम तो बहुत खुश हुए थे कि सर अंदर हैं ऑफिस में, हम हमारे साथ मिलेंगे, मगर तो हमें तो कुछ मिला नहीं। नहीं सर, एक बात है, हमें वो बहुत खुशी हुई कि वो मिले, वो ऐसे नहीं मिले, हम सभी के ऑफिस गए, सभी के ऑफिस, किसी ने नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने सीधे अंदर जाने दिया कि आप मिल सकते हैं। क्या बात है, ये जी सर, बहुत बड़ी, ये एक पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा हमें, इसी दर्शन तो हो गए जी सर, खुश हुआ, दिल खुश हुआ सर, दिल बहुत खुश हुआ इतनी बात पे। इतना तो हुआ कि चलो, इतना तो हुआ, चलो राजनाथ सर से मिले तो सही, हम गवर्नमेंट को फेस टू फेस देखा तो सही। जी सर, समस्या को लेकर के गंभीरता से सोचते जी, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर हमारी बात सुन लेते तो मुझे 100% इतना पता था कि हमारी बात ओके हो जाती, और वहां से कुछ जी, समाधान निकल जी, बिल्कुल सर, निकलता और हम भर्ती हो चुके, हमारा कॉल लेटर आ जाता सर। जी सर, और हम 5 मिनट में दिल्ली नहीं रुकते, हम उसी टाइम चले जाते घर, हम उसी सर, हमें कोई शौक थोड़ी है, हम तो रोजगार के लिए। अब मतलब कि आप लोग यहीं रुकेंगे? जी सर, अब हम यहीं रुकेंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी सर, बात नहीं सुनी जाएगी सर, जब तक हमारे पास कोई सरकार का बंदा नहीं आता या हमारा कोई हल नहीं होता, हम यहीं रुके हैं सर। चलिए, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप देख रहे थे बहुजन सेंचुरी, और युवाओं की आवाज़ को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आप बहुजन सेंचुरी को देखिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद सर।